टीचर्स एकेडमी ग्रुप के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज का जो सेशन है यह हमारा बहुत ही स्पेशल सेशन है, क्योंकि यह सेशन का नाम है सैटरडे संडे स्पेशल सेशन। तो दोस्तों, सैटरडे संडे स्पेशल सेशन का जो नाम इसलिए मैंने इसको रखा है क्योंकि सैटरडे और संडे का जो हमारा क्लास होता है वो प्रीवियस ईयर रिलेटेड है, क्योंकि मैंने पिछले सैटरडे संडे को कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था। उसके पीछे वाले संडे को मैंने आप सभी के लिए ईवीएस का प्रीवियस ईयर जो जून 2011 में प्रश्न पूछा गया था उसका एक पार्ट, मतलब 15 क्वेश्चन आप लोगों के बीच पूरे व्याख्या के साथ पेडागोजी कंसेप्ट जो एनसीईआरटी बेस्ड था उसके साथ मैंने चर्चा किया था। और आज हमने लास्ट 15 क्वेश्चन जो 16 से स्टार्ट होकर के 30 तक खत्म होता है, तो इसका आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर करें। तो दोस्तों, आइए आप लोग का ज़्यादा समय न लेते हुए हम विषय वस्तु की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 है कि एक विद्यालय ने राजस्थान के लिए कक्षा 5 के बच्चों के शैक्षिक भ्रमण की योजना बनाई, भ्रमण के दौरान बच्चों से आपकी क्या अपेक्षाएं रहेंगी। दोस्तों, मान लीजिए कि आप एक शिक्षक हैं, आप एक जो शैक्षिक भ्रमण का योजना तैयार कीजिएगा तो उससे आपकी क्या क्या अपेक्षाएं होंगी, आप किस आधार पे उस योजना को तैयार कीजिएगा ताकि आपका वह जो भ्रमण शैक्षणिक भ्रमण है वह सफल हो सके। तो इसी के बारे यही प्रश्न पूछ रहा है और ऑप्शन है कि यदि कोई प्रश्न हो तो उन्हें दर्ज कर लेना चाहिए और घर पहुंचने के बाद अभिभावक से पूछना चाहिए। यह ऑप्शन गलत है दोस्तों, क्योंकि शैक्षिक भ्रमण का मुख्य उद्देश्य होता है कि बालकों के मन में जो प्रश्न उठते रहते हैं उसको प्रत्यक्ष रूप से दिखा करके उस प्रश्न का उस समस्या का समाधान करना। तो चिड़ियाघर या कोई भी भ्रमण पे बालक को ले जाया जाता है तो बालक के मन में जो प्रश्न उठता है उसको वहीं पे उसका सॉल्यूशन दिया जाता है। और इस ऑप्शन में दिया गया है कि घर पहुंचने के बाद अभिभावक से उन्हें पूछना चाहिए, तो घर पर पूछने के लिए बुक ही काफ़ी है, तो फिर यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर एक गलत हो जाता है। फिर है ऑप्शन नंबर बी कि चीज़ों के बारे में बिना कोई प्रश्न पूछे सभी का अवलोकन करना चाहिए, तो ये भी उद्देश्य नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट हम देख करके अगर उसको कोई चीज़ देखते हैं और देख करके उसको अगर डायरेक्ट हम चुपचाप देख करके छोड़ देते हैं तो वह भ्रमण का सही जो अपेक्षा होती है और जो जिस लिए भ्रमण है वह अपेक्षा को यह पूरा नहीं कर पा रहा होता है, फिर उसे आनंद उठाना चाहिए, आनंद के साथ साथ सीखना भी जरूरी है। तो ऑप्शन सी भी गलत है। और ऑप्शन डी कह रहा है कि उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए, टिप्पणियाँ दर्ज करनी चाहिए और बाकी बच्चों तथा शिक्षक के साथ अपने अवलोकन को बांटना चाहिए। मतलब कि आप जो वहाँ पे बच्चे जो ऑब्जर्वेशन करते हैं, कुछ पॉइंट जो कलेक्ट करते हैं, वह सभी बच्चों और शिक्षकों के साथ देख करके उस पे डिस्कशन करते हैं और यही सही है। 67 इसका सीरियल है और मेरा जो क्वेश्चन का सीरियल ही है वो 16 नंबर है, इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। अब क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों, इसको देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है लेकिन इसको हम लोग बहुत अच्छे और आसानी से समझ लेंगे। कह रहा है कि रीना अपने घर का कूड़ा नीचे दर्शाए तरीके से दो ढेरियों में अलग रखती है। एक ढेरी है केले का छिलका, सब्जियों के छिलके, सूखी पत्तियां, अखबार, और एक है जैम की बोतल, सॉस की बोतल, उपयोग में लाए गए टूथपेस्ट ट्यूब, प्लास्टिक के खिलौने। फिर नीचे कथन दिया गया है कि रीना ने दो ढेरियों में कूड़ा निम्न आधार पर अलग किया है। एक है घरेलू कचरा, औद्योगिक कचरा। तो दोस्तों, घरेलू कचरा में हमारा केला, छिलका, सब्जी ये सब आ जाएगा लेकिन अखबार नहीं आएगा, तो यह हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर है सेकेंड दुर्गंध और दुर्गंध रहित। तो दोस्तों, यह जो है केले का छिलका और सब्जी के छिलके भी सड़ जाने के बाद दुर्गंध देते हैं, तो दोनों दुर्गंध देने वाले ही हैं, तो ये भी ऑप्शन गलत है। फिर है अपघटित होने वाले और अपघटित न होने वाले। तो दोस्तों, केले के छिलका, सब्जी के छिलके, सूखी पत्तियां और अखबार ये जो है अपघटित हो जाते हैं, और जैम की बोतल ये सभी जो है अपघटित होने वाले नहीं है।
तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है और ऑप्शन डी कह रहा है पुनः चक्रण किया जा सकता है, पुनः चक्रण नहीं किया जा सकता है, यह ऑप्शन गलत है। तो यह 17 नंबर का ऑप्शन नंबर सी सही है। फिर है हमारा नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न नंबर 18 कि किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला। दोस्तों तो चिपको आंदोलन सुंदर लाल बहुगुणा के नेतृत्व में किया गया था, तो इसका ऑप्शन जो ऑप्शन नंबर बी डायरेक्ट सही है। फिर है क्वेश्चन नंबर 19 कि विटामिन ऐसे पदार्थ है जो, दोस्तों विटामिन के बारे में प्रश्न पूछा जा रहा है, तो हमने EBS में आप लोगों के लिए 3, 4, 5 का कंप्लीट नोट्स तैयार करके क्लास 4 तक का वीडियो प्रोवाइड कर दिया हूँ। क्लास 4 का आधा वीडियो प्रोवाइड करा दिया गया है और उसका एक एक वीडियो करके पूरा टोटल वीडियो प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो इसका जो डायरेक्ट आंसर है दोस्तों, कोई हिंता जन रोगों से बचने के लिए थोड़ा मात्रा में आवश्यक है विटामिन होना चाहिए। विटामिन की कमी के कारण ही हमें हमें जो है बाहरी जो वायरस होते हैं इससे हमें रोग जो उत्पन्न हो जाता है इससे बचाव के लिए विटामिन जरूरी होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है। फिर है क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारें और फर्श को लिपा जाता है उन्हें। तो दोस्तों यह EBS में पूरे डिटेल से दिया गया है और आप लोग इसका आंसर लगाए होंगे सी, चिकना और साफ बनाने में, लेकिन यह नहीं है क्योंकि गाय के गोबर से झोपड़ी और दीवार इसलिए लिपा जाता है क्योंकि कीड़े मकोड़े जो हैं, कुछ कीड़े मकोड़े जो हैं वह गाय के गोबर से मर जाते हैं। तो इसलिए देहात क्षेत्र में, देहाती क्षेत्र के जो किसान हैं, मजदूर वर्ग के व्यक्ति जो हैं, वह गाय के गोबर से झोपड़ी और दीवार और फर्श को लिपते हैं ताकि उनके जो फर्श पे कीड़े मकोड़े ना आए। तो हमारा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी सही है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 यानी 21। एक किसान दाने को भूसे से अलग करना चाहता है, जिस प्रक्रिया से किया जा सकता है वह कहलाती है। तो दोस्तों फसल की कटाई भी नहीं होगा, हस्त चयन भी नहीं होगा, उसके बाद है थ्रेशरिंग। थ्रेशरिंग तो है दोस्तों वो जो भूसा से अनाज अलग किया जाता है उसके लिए है, लेकिन यह कह रहा है कि दाने को भूसे से अलग कर रहा है। तो दाने में कुछ भूसा मिला हुआ है तो उसको निष्पावन विधि मतलब हवा के झोंका से बाहर कर रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी यानी 4 सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 में है कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में पहेलियां शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है। मतलब पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में पहेली शामिल करने का उद्देश्य नहीं पूछ रहा है। तो दोस्तों नहीं वाला प्रश्न में हम लोग ध्यान देंगे कि 3 ऐसा ऑप्शन होगा जो पॉजिटिव होगा और 1 निगेटिव ऑप्शन होगा, वही इस प्रश्न का आंसर होगा। तो नीचे से देखते हैं कि बच्चों में तर्कना शक्ति का विकास करना, तर्क शक्ति का विकास करने के लिए पर्यावरण अध्ययन में पहेलियों को शामिल किया गया है और यह पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्य को पूरा करता है। तो यह ऑप्शन नंबर 4 जो है सही है और यह नहीं पूछ रहा है तो यह आंसर नहीं होगा। बच्चों में आलोचनात्मक चिंतन विकसित करने के लिए यह भी ऑप्शन सही है लेकिन प्रश्न नहीं पूछ रहा है। फिर है सृजनात्मक चिंतन की योग्यता और उत्सुकता का विकास करना, तो ये भी पर्यावरण के उद्देश्य में शामिल है। फिर है ऑप्शन नंबर 1 कि बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना और उन्हें इस भ्रम का आनंद उठाने देना। दोस्तों पर्यावरण शिक्षण का उद्देश्य ये कभी नहीं है कि किसी बालक के मस्तिष्क को भ्रमित किया जाए और इसका आनंद उठाया जाए। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 1 सही है। फिर है क्वेश्चन नंबर 23, तेईस क्वेश्चन कह रहा है कि एक पुरुष जिसका रक्त ओ है, एक ए रक्त समूह वाली स्त्री से शादी करता है, उसके पहले बच्चे के रक्त समूह ओ होने की संभावना है। दोस्तों कह रहा है यहाँ तो CDP में हमने पढ़ लिया था कि अनुवांशिकता और वातावरण इसका कोई निश्चित नहीं है कि 50-50% ही इफेक्ट पड़े, लेकिन यहाँ पे 50-50% इफेक्ट पड़ सकता है, संभावना में है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 24, 24 नंबर क्वेश्चन में है कि टूटता तारा यानी उल्का क्या है। तो टूटता हुआ तारा यह साइंस टॉपिक का है दोस्तों,
तो इसका आंसर होगा कि उल्काव जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं, प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है। फिर है हमारा नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 25, कि क्वथन उबलना और वाष्पीकरण में अंतर है। तो दोस्तों कि वाष्पीकरण जो है किसी भी ताप पर हो सकता है जबकि क्वथन नहीं, तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। फिर है क्वेश्चन नंबर 26, प्राथमिक स्तर पर आकलन में शामिल होना चाहिए। तो दोस्तों आइए इस प्रश्न के माध्यम से कुछ ट्रिक हम बता देना चाहते हैं कि अगर ऑप्शन में परीक्षा या अंक दिया हुआ हो तो वह पेडागोजी के दृष्टि से निगेटिव है और उसको काट देना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर एक में ही दिया हुआ है अर्धवार्षिक और वर्ष के अंत में वार्षिक परीक्षा है, तो यह ऑप्शन हम काट देंगे। फिर ऑप्शन नंबर बी है कि छोटे बच्चे को उत्तीर्ण तथा अनुत्तीर्ण, तो दोस्तों पास और फेल करने के लिए कभी हमारा पेडागोजी सहमति नहीं देता है, तो इसलिए यह भी ऑप्शन हमारा गलत है। फिर है कि प्रत्येक सप्ताह औपचारिक परीक्षाएं और खेल उन्हें प्रगति पत्रक में दर्ज करना, और ऑप्शन सी है शिक्षक द्वारा सतत असंरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकन को बच्चे को अभिभावकों के साथ बांटना। तो हमारा ऑप्शन नंबर यही सी सही होगा, क्योंकि शिक्षक द्वारा जो सतत हमेशा बच्चे का अवलोकन किया जाएगा और उसका जो परफॉर्मेंस है उसके पेरेंट्स के साथ साझा किया जाएगा, उससे बालक का विकास और उसका आकलन जो है वह अच्छे ढंग से हो पाएगा, इसलिए इसका आंसर सी होगा। फिर 27 नंबर क्वेश्चन, कि नींबू साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैरता रहता है, क्यों? तो दोस्तों नमकीन पानी में जो है वह कोई भी चीज़ नहीं डूबता है क्योंकि इसका घनत्व अधिक होता है, तो नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो आइए दोस्तों अब हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक परिरक्षित किए जा सकते हैं, क्योंकि? तो दोस्तों ऑप्शन है कि कम तापमान पर भोजन की नमी तत्व घट जाता है, ऑप्शन बिल्कुल गलत है। फिर रेफ्रिजरेटर में कुछ ऐसे रसायन होते हैं जो रोगाणुओं को नष्ट कर देता है, ये भी ऑप्शन गलत है। कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं और रोगाणु कम तापमान पर नष्ट हो जाते हैं, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है। अगर दोस्तों अगर कम तापमान पर रोगाणु नष्ट हो जाते तो हम लोग फ्रिज में किसी सामान को 1-2 घंटे के लिए रख करके बाहर निकाल देते और कभी भी वह खराब ही नहीं होता, तो यह भी ऑप्शन गलत है। इसका करेक्ट आंसर होगा कि कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं, तो यही हमारा ऑप्शन सही होगा, और निष्क्रिय हो जाने के कारण ही चावल अधिक समय तक उसमें सुरक्षित रह सकता है। फिर नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रक्त की जांच द्वारा किसकी उपस्थिति में मलेरिया की पहचान होती है। तो दोस्तों रक्त ऑप्शन है कि रक्त लाल रक्त कोशिका में मच्छर के अंडे, ये भी ऑप्शन गलत है। लाल रक्त कोशिका में मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम, तो यह ऑप्शन सही है क्योंकि इसी के पहचान से पहचाना जाता है कि किसी व्यक्ति को मलेरिया हो गया है। फिर है नेक्स्ट प्रश्न और ये हमारा लास्ट प्रश्न है इस सेशन का। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी कथन का प्रयोग करना, मतलब दोस्तों कि पर्यावरण अध्ययन का जो वर्ग होता है कक्षा होता है उसमें अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानियों का प्रयोग करना, यह क्या है? तो ऑप्शन कह रहा है कि बच्चों में विद्यमान भाषिक एवं सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखता है, फिर है उचित दिशा में बच्चों की ऊर्जा को संकेंद्रित करता है, फिर पाठ को आनंददायक और रोचक बनाता है, ये भी तो करता ही है, लेकिन इसका पूरा एप्रोप्रिएट आंसर नंबर डी है क्योंकि स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में मदद करता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर नंबर डी सही है। तो दोस्तों आज के सेशन में हमने जून 2011 में पूछा गया प्रश्न का सेकेंड पार्ट किया है। दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा ताकि सभी दोस्तों का अच्छे से अच्छा मार्क्स आ जाए इस बार जो सीटेट होने वाला है इसमें। और दोस्तों अंत तक देखने के लिए धन्यवाद, शेयर ज़रूर करें। और आपको इसी तरह से इस चैनल पे टीचर्स एकेडमी ग्रुप का जो ये यूट्यूब चैनल है आपको NCERT बेस्ड नोट्स प्रोवाइड कराएगी। धन्यवाद।